नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और आज है तारीख 2 सितंबर 2023 दिन शनिवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार और महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे। सभी खबरें जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। सरकार ने बदले 33 सहायक आबकारी आयुक्त, अफसरशाही को चुस्त दुरुस्त करने के लिए किया बदलाव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीमा क्षेत्रों पर लंबे समय से डटे कर एवं आबकारी विभाग के 33 सहायक आयुक्तों के तबादले कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर कर एवं आबकारी विभाग ने तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में अवैध शराब की रोकथाम के लिए अफसरशाही को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सरकार ने यह बदलाव किया है। सहायक आबकारी आयुक्त कुंदन सिंह को बद्दी से घुमारवी, पवन कुमार नालागढ़ 2 से माल रोड सर्कल शिमला, नवल चंद्र बद्दी बरोटीवाला से हमीरपुर, ओम प्रकाश यादव बद्दी 3 से ठियोग। अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर वीडियो को रोककर पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। आपदा प्रभावितों के लिए ब्याज छूट सुविधा की संभावना तलाश रही सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार आपदा प्रभावित ऋण धारकों के लिए ब्याज छूट सुविधा की संभावना तलाश रही है। सरकार ने 18 अगस्त को प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया था। राज्य सरकार ने पहल करते हुए बैंकों के प्रतिनिधियों से चर्चा की है। अब फैसला हुआ है कि कृषि और संबंध गतिविधियों से संबंधित अग्रिमों को छोड़कर सभी प्रकार के मौजूदा ऋणों की ऋण पुनर्संरचना की जाएगी। इनमें सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों, खुदरा और अन्य के लिए प्रदत्त ऋण शामिल है। राहत उपायों के लिए पात्रता निर्धारित करने की मूल्यांकन तिथि 24 जून 2023 निर्धारित की गई है। केवल वे खाते जो इस तिथि तक अतिदेय नहीं थे ऋण पुनर्संरचना के लिए पात्र होंगे। संपूर्ण ऋण पुनर्संरचना प्रक्रिया सरकार द्वारा प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की तारीख 18 अगस्त 2023 से 3 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। चंद घंटों में तैयार हुआ सड़क का प्राकलन, 4,35,000 भी मंजूर। बरसात से पूरी तरह कटे रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र की छछेती पंचायत के क्यारी गांव को लेकर जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। शुक्रवार को उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने BDO से क्यारी गांव के लिए सड़क के बारे में जानकारी लेने के साथ प्राकलन भी मांगा। कुछ ही घंटों में प्राकलन तैयार होने के बाद उपायुक्त ने सड़क निर्माण के लिए 4,35,000 रुपये भी मंजूर कर दिए। इससे पहले पंचायत की ओर से कई प्रस्ताव भेजे गए थे। सड़क संबंधी समस्या को लेकर न केवल BDO कार्यालय को प्रस्ताव सौंपे बल्कि हाल ही में सिरमौर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भी ज्ञापन सौंपकर समस्या बताई। इसके बाद जब जान जोखिम में डालकर क्यारी गांव के बच्चों के स्कूल पहुंचने की डराने वाली तस्वीरें सामने आई तो इस खबर को अमर उजाला ने 1 सितंबर के अंक में इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया। खबर छपते ही जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया। उपायुक्त सिरमौर ने तुरंत इस मामले की रिपोर्ट तलब की। उन्होंने BDO से इसका प्राकलन तैयार करने के निर्देश दिए। मनाली में भीषण अग्निकांड, 9 खोखे जलकर राख, गैस सिलेंडर भी फटे। पर्यटन नगरी मनाली के रांगड़ी में कूड़ा संयंत्र के सामने नेपाल मूल के लोगों के आशियानों में शुक्रवार दोपहर आग लग गई। अग्निकांड में लकड़ी से निर्मित 9 खोखे घरेलू सामान समेत जलकर राख हो गए। सेब के फलदार पेड़ों को भी नुकसान हुआ। अग्निकांड में 28 लाख से अधिक के नुकसान का प्रारंभिक आंकलन किया गया है। राजस्व विभाग की टीम नुकसान का आंकलन करने में जुट गई है। प्रशासन ने पीड़ितों को 10,000 रुपए की फौरी राहत प्रदान कर दी है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रांगड़ी में ठाकुर दास निवासी छियाल के सेब के बगीचे में नेपाल मूल के करीब 45 लोग रह रहे हैं। लकड़ी के खोखे बनाकर यहाँ पर 8 परिवार और 12 अन्य मजदूर भी रहते थे। शुक्रवार दोपहर को अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख अफरा तफरी मच गई। खोखों में रखे गैस सिलेंडर फट गए। जोरदार धमाके के साथ सिलेंडर फटने से आग और फैल गई। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन केंद्र मनाली से 3 दमकल वाहन तुरंत मौके पर भेजे गए। विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की सहायता से आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक सभी खोखे जलकर राख हो गए थे। जगत नेगी बोले, औद्योगिक और औषधीय इस्तेमाल के लिए भांग की खेती पर बनेगी नीति। हिमाचल प्रदेश सरकार औद्योगिक, औषधीय तथा वैज्ञानिक उपयोग के लिए भांग की खेती शुरू करने के लिए नीति तैयार करेगी। इससे जहां गंभीर रोगियों को भांग के औषधीय उपयोग का अधिकार प्राप्त होगा, वहीं भांग के विविध उत्पादों से प्रदेश में राजस्व भी अर्जित होगा। शुक्रवार को राजस्व, बागवानी एवं
जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने भांग के गैर मादक उपयोग की अनुशंसा के लिए गठित समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 लागू है। इसके अतिरिक्त राज्य में हिमाचल प्रदेश व्यापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1989 भी कार्यान्वित किया जा रहा है। यह नीति इन अधिनियमों के तहत तैयार की जाएगी। सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी से जुड़े अवतार, पुलिस ने कब्जे में लिया मोबाइल। जून 2023 में धर्मशाला में हुई अग्नि भर्ती के दौरान पैसे लेकर सेना में अपात्र को भर्ती करवाने के मामले में एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी की भी संलिप्तता मिली है। कांगड़ा पुलिस ने सेना अधिकारी के घर पर दबिश देकर उसका मोबाइल फोन भी कब्जे में लिया है। सेवानिवृत्त अधिकारी से सैन्य प्रशासन भी अपने स्तर पर पूछताछ कर रहा है। राजस्थान में तैनात रहे सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी की संलिप्तता भी पैसे देकर अग्निवीर भर्ती के दौरान नौकरी दिलाने में पाई गई है। कांगड़ा पुलिस संबंधित अधिकारी के घर पर दबिश भी दे चुकी है। इस दौरान पुलिस ने सेवानिवृत्त अधिकारी का मोबाइल भी अपने कब्जे में लिया है, लेकिन अधिकारी ने इस फोन को फॉर्मेट कर दिया है। मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। उल्लेखनीय है कि जून माह में सामने आए इस मामले में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और इंदौर सहित अन्य राज्यों से भी तार जुड़े पाए गए थे। पुल पर चप्पल, पर्स दुपट्टा रख, नदी में कूद गई महिला, नहीं बची जान। हिमाचल में लोग छोटी मोटी बातों पर ही अपनी जान देने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला हिमाचल के बिलासपुर जिला से सामने आया है। यहाँ एक महिला ने पुल से नदी में छलांग लगा दी। महिला को नदी में छलांग लगाते कुछ युवकों ने देख लिया और उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी के तेज बहाव में महिला को बचा नहीं सके। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिला के सलापड़ पुल से एक महिला ने नदी में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि पुल से गुजर रहे एक ऑटो चालक और कुछ युवकों ने महिला को छलांग लगाते देख लिया और उसे बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन महिला पानी के तेज बहाव में काफी दूर तक बहती चली गई। युवकों ने घटना की जानकारी तुरंत ही पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत ही महिला की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया। कुछ ही देर में पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने महिला को नदी से बाहर निकाल लिया। महिला को तुरंत ही बरमाणा स्थित ECC अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां मौजूद चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। महिला ने नदी में छलांग क्यों लगाई, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। हिमाचल का वीर जवान पंचतत्व में विलीन, दो बार जंग में पाकिस्तान को चटाई थी धूल। देवभूमि के साथ साथ हिमाचल वीरों की भूमि भी है। यहाँ के कई जवान आज भी देश की सरहदों पर पहरेदारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि दूसरे देशों में हुई जंग में हिमाचल के कई जवानों ने हिस्सा लिया और दुश्मनों को धूल चटाई। ऐसे एक वीर जवान हिमाचल के सिरमौर जिला के रहने वाले थे, जिनका निधन हो गया। यह वीर सपूत कोई और नहीं बल्कि हवलदार सोहन सिंह है। जिला सिरमौर के सैंडधार के महीपुर के रहने वाले भूतपूर्व सैनिक हवलदार सोहन सिंह का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। सोहन सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ हुई 1965 और 1971 की जंग में भी हिस्सा लिया था और अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। उनकी इस बहादुरी के चलते उन्हें भारत के राष्ट्रपति से सेना मेडल भी मिला था। वहीं शुक्रवार को ददाहू में गिरी नदी के किनारे देश के इस वीर सपूत का अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में क्षेत्र के काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। उनके बेटे ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। HRTC बस कंडक्टर के पास मिले 325 कारतूस, यूपी पुलिस ने पकड़ा, किया सस्पेंड। हिमाचल पथ परिवहन निगम का एक परिचालक कारतूस के साथ पकड़ा गया है। परिचालक को यूपी पुलिस ने पकड़ा है। परिचालक के पास 325 कारतूस बरामद हुए। यूपी पुलिस मामले में आगामी जांच कर रही है। वहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध ने परिचालक को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस चंबा से हरिद्वार जा रही थी। जब यह बस यूपी में पहुंची तो वहां पर सहारनपुर के सरसावा नामक स्थान पर यूपी पुलिस ने बस को रोक लिया और परिचालक से 325 कारतूस बरामद किए। बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि परिचालक कुछ संदिग्ध वस्तु लेकर जा रहा है। वहीं सूचना मिलने के बाद HRTC प्रबंधन ने परिचालक को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह बस चंबा से बीते रोज गुरुवार दोपहर 2:30 बजे चंबा से हरिद्वार के लिए निकली थी। देर रात यह बस जब सहारनपुर के सरसावा में पहुंची तो वहां पहले से तैनात यूपी पुलिस ने इस बस को रोक लिया। पुलिस ने परिचालक से पूछताछ की और तलाशी लेने पर 325 कारतूस बरामद हुए। HRTC चालक ने पहले गंतव्य तक पहुंचाया यात्री, फिर किया पिता का अंतिम संस्कार।
हिमाचल में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने दायित्व का निर्वहन भी पूरी ईमानदारी से करते हैं। ऐसे ही एक दायित्व निर्वहन करने की मिसाल हिमाचल पथ परिवहन निगम के एक चालक ने पेश की है। दरअसल चालक जब बस लेकर अपने रूट पर जा रहा था, उसी दौरान उसे सूचना मिली कि उसके पिता का निधन हो गया है। सूचना मिलने के बाद भी चालक ने तुरंत घर जाने के बजाय बस को 100 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक पहुंचाया और उसके बाद ही अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचा। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह चालक परिवहन की बस लेकर नाहन से कुहट के लिए निकला था। बस पूरी तरह से सवारों से भरी थी। इसी बीच रास्ते में उसे घर से फोन आने लगे, लेकिन उसने बस चलाते समय फोन नहीं सुना। ददाहू बस ठहराव के बाद चालक ने घर फोन किया तो उसे बताया कि उसके पिता का निधन हो गया है। जब यह बात परिचालक को पता चली तो उसने तुरंत ही चालक कमल ठाकुर को घर भेजने के लिए एक टैक्सी बुलाई। कंडक्टर ने बताया कि बस की सवारियों को वह दूसरी बस में भेज देगा, लेकिन कमल को यह ठीक नहीं लगा। उसने कहा कि बस में बैठे लोग पता नहीं किस मजबूरी और जरूरी काम से घर से निकले हैं, लेकिन कंडक्टर ने उसे समझाया कि उसका घर पर रहना जरूरी है क्योंकि वह अपने परिवार का इकलौता बेटा है। लेकिन कमल ठाकुर ने बस में बैठे ये सभी लोग भी किसी मजबूरी और जरूरी काम से ही कहीं ना कहीं जा रहे होंगे, इसलिए चलो पहले इन्हें गंतव्य तक पहुंचाएंगे, उसके बाद ही पिता का अंतिम संस्कार करूंगा। चालक कमल ठाकुर ने कहा कि पिताजी ने हमेशा मुझे यह बात कही थी कि किसी भी परिस्थिति में मुसाफिरों को आधे रास्ते में मत छोड़ना, क्योंकि ना जाने कौन सा यात्री किस मुसीबत के चलते घर से निकला होगा। अपने काम के प्रति इस कर्मठता को देख और सुनकर हर किसी का दिल पसीज गया। इस चालक का नाम कमल ठाकुर है और वह निगम की बस में बतौर चालक है। अरबी के पत्तों की सब्जी खाने से 22 वर्षीय युवती स्वर्ग सिधारी पसरा मातम। हिमाचल में एक के बाद एक फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले जिला कांगड़ा के धर्मशाला में खिचड़ी खाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं उसके बाद मंडी जिला के सराज में जंगली मशरूम खाने से एक नवविवाहिता की मौत हो गई थी। अब ऐसा ही एक मामला हिमाचल के सिरमौर जिला से सामने आया है। यहाँ भी विषैला भोजन खाने से एक 22 वर्षीय युवती की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में विषाक्त भोजन करने से एक परिवार के 4 सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत खराब होने पर पड़ोसियों ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां 22 साल की युवती की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों का इलाज चल रहा है। मामला उपमंडल पांवटा साहिब के श्यामपुर गाँव से सामने आया है। बताया जा रहा है कि श्यामपुर के रहने वाले धनीराम के परिवार ने अरबी के पत्तों की सब्जी बनाई थी, जिसे पूरे परिवार ने खाया। इस सब्जी को खाने के थोड़ी ही देर बाद पूरे परिवार की तबीयत बिगड़ने लगी। परिवार के मुखिया धनीराम, उनकी पत्नी बिमला देवी, बेटा नीरज, रविंद्र और बेटी नेहा है। 22 वर्षीय नेहा की हालत गंभीर होने पर उसे देहरादून ले जाया गया, जहां अस्पताल में उपचार के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों की हालत सुधरने पर उन्हें घर भेज दिया गया। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।